मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे पूर्वजों ने अखंड एक निष्ठ तपस्या करके त्याग और बलिदान की उच्च भावनाओं को प्रस्थापित करते हुए हमें जिस प्रकार से आजादी दिलाई है उन्होंने न्योछावक कर दिया है। लेकिन हम ये बात न भूले कि गुलामी के इतने लंबे कालखंड में कोई भी पल ऐसा नहीं था, कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं था कि जब आजादी की ललक न उठी हो, आजादी की इच्छा को लेकर के किसी ने प्रयास न किया हो, जंग न किया हो, त्याग न किया हो और एक प्रकार से जवानी जेलों में खपा दी, जीवन के सारे सपनों को फांसी के फंदों को चूम करके आहूत कर दिया। ऐसे वीरों को नमन करते हुए और फिर एक तरफ सशस्त्र क्रांति का दौर, दूसरी तरफ जन आंदोलन का दौर, पूज्य बापू के नेतृत्व में राष्ट्र जागरण के साथ जन आंदोलन की एक धारा ने आजादी के आंदोलन को एक नई ऊर्जा दी और हम आजादी के पर्व को आज मना पा रहे हैं। इस आजादी के जंग में भारत की आत्मा को कुचलने के भी निरंतर प्रयास हुए हैं, अनगिनत प्रयास हुए हैं। भारत को अपनी संस्कृति, परंपरा, रीत रिवाज, इन सब से उखाड़ फेंकने के लिए क्या कुछ नहीं हुआ। वो कालखंड था, सैकड़ों सालों का कालखंड था, शाम दाम दंड भेद सब कुछ अपने चरम पर था। और कुछ लोग तो ये मान के चलते थे कि हम तो यावत चंद्र दिवा करो यहां पर राज करने के लिए आए हैं। लेकिन आजादी की ललक ने उनके सारे मंसूबों को जमीन दोस्त कर दिया। उनकी सोच थी कि इतना बड़ा विशाल देश, अनेक राजे रजवाड़े, भांति भांति की बोलियां, पहनवेश, खान पान, अनेक भाषाएं, इतनी विविधताओं के कारण बिखरा हुआ देश कभी एक होकर के आजादी का जंग लड़ नहीं सकता है। लेकिन इस देश की प्राण शक्ति वो पहचान नहीं पाए। अंतर्भूत जो प्राण शक्ति है, एकता का सूत्र जो हमें सबको बांध करके रखा हुआ है, उसने आजादी के उस पर्व में पूरी ताकत के साथ जब वो मैदान में आया तो देश आजादी के जंग में विजयी हुआ। हम ये भी जानते हैं कि वो कालखंड था, विस्तारवाद की सोच वालों ने दुनिया में जहां भी फैल सकते के फैलने का प्रयास किया, अपने झंडे गाड़ने की कोशिश की। लेकिन भारत का आजादी का आंदोलन दुनिया के अंदर भी एक प्रेरणा का कुंज बन गया, दिव्य स्तंभ बन गया और दुनिया में भी आजादी की ललक जगी। और जो लोग विस्तारवाद के अंधी दौड़ में लगे हुए थे, अपने झंडे गाड़ने में लगे थे, उन्होंने अपने इस मंसूबों को, विस्तारवाद के मंसूबों को पार करने के लिए दुनिया को दो दो महाविश्व युद्ध में झोंक दिया, मानवता को तहस नहस कर दिया, जिंदगी तबाह कर दी, दुनिया को तबाह कर दिया। लेकिन ऐसे कालखंड में भी, युद्ध की विभीषिका के बीच भी, भारत ने अपनी आजादी की ललक को नहीं छोड़ा, न कमी आने दी न नमी आने दी। देश बलिदान करने की जरूरत पड़ी बलिदान देता रहा, कष्ट झेलने की जरूरत पड़ी कष्ट झेलता रहा, जन आंदोलन खड़ा करने की जरूरत पड़ी जन आंदोलन खड़ा करता रहा। और भारत की ये लड़ाई ने दुनिया में आजादी के लिए एक माहौल बना दिया और भारत की एक शक्ति ने दुनिया में जो बदलाव लाया,
विस्तारवाद के लिए चुनौती बन गया भारत। इतिहास इस बात को कभी नकार नहीं सकता है, इतिहास इस बात को नहीं। मेरे प्यारे देशवासियों, आजादी की लड़ाई में पूरे विश्व में भारत ने अपनी एकजुटता की ताकत, अपनी सामूहिकता की ताकत, अपने उज्जवल भविष्य के प्रति अपना संकल्प, समर्पण और प्रेरणा, उस ऊर्जा को लेकर के देश आगे बढ़ता चला गया है।